हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, साथ में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देखना फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है। फॉर इम्प्रूविंग लाइफ स्टील पोल आर गैल्वनाइज्ड, तो गैल्वनाइजिंग इन द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग अ लेयर ऑफ, इसमें कौन सी लेयर होती है, देखिए जिंक की लेयर होती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना देखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करेंट पास्ड थ्रू ए, ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्टेड इनटू हीट इज, ठीक है, ट्रू पावर। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर भी इसमें यही है। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज इन एक्टिव एलिमेंट, इनमें से एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट होता है। अब 59 अब क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं अपन, जिसमें क्या लिखा है, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन जाते हैं, विच अरेंजमेंट विल गिव अ सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द 4 ओम। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें क्या है, 2 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 एंड 6 ओम रेजिस्टेंस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, देखिए क्या है, किरचॉफ लॉ इज अप्लाइड टू बोथ एसी एज वेल एज डीसी। ठीक है, दोनों में किरचॉफ लॉ काम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि ये जो सब का सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं हर बार एग्जाम में। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इन ए सीरीज सर्किट्स एन अनइक्वल रेजिस्टेंस द हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसका आंसर ये है, मैं मात्र आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सीरीज सर्किट हैज 100 ओम ए 270 ओम एंड ए 330 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज, इफ द 270 ओम रेजिस्टेंस इज रिमूव द करंट इज, ठीक है, इसका आंसर है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत पड़ने वाली है, कुछ क्वेश्चन को कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपना थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल सर्किट इज रिमूव्ड व्हाट हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस, इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब देखिए क्या लिखा है, टू कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इज, ठीक है, इसका क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी जो कैपेसिटर जो होता है, मतलब C1 और C2 दो कैपेसिटर है अगर वो सीरीज में है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन अपना कैसा बनता है अगर अपन उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा बनता है, रेजिस्टेंस में बिल्कुल उल्टा होता है और कैपेसिटर में बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 20 वोल्ट डीसी सोर्स, इफ द करंट थ्रू वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर, 3.33 ओम, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ACSR कंडक्टर हैव, ठीक है, आउटर कंडक्टर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ACSR जो कंडक्टर होता है उसमें जो आउटर कंडक्टर होता है वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ एयर, कोरोना क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ एयर, जो ग्रीन वाले फ्रेंड जो दिख रहे हैं ना वही अपने करेक्ट आंसर हैं। अब देख लीजिए, द मोस्ट टाइप ऑफ द फॉल्ट इज सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, सबसे ज़्यादा होता है अपने पावर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज नॉर्मली प्रोटेक्ट आ सिस्टम्स अगेंस्ट ओवर करेंट, ठीक है, ओवर करेंट से जो फ्यूज होता है वो प्रोटेक्ट अपना करता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, रिले कॉन्टैक्ट नॉर्मली मेड अप ऑफ सिल्वर कॉन्टैक्ट, ठीक है, रिले कॉन्टैक्ट आर नॉर्मली मेड अप ऑफ सिल्वर कॉन्टैक्ट से इसको कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इसका फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो देखिए और कंप्लीट वीडियो देखना, तभी आप लोगों को कंप्लीटली नॉलेज मिल पाएगा। अब देख लीजिए, बुकेज रिलेज, ठीक है, गैस एक्चुएटेड रिले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुगेज रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर से बुगेज रिले प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को। बुगेज रिले इज यूज फॉर, देखिए क्या लिखा है, बुगेज रिले इज यूज फॉर ऑयल इमर्ज्ड पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म पावर, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। Which of the following is not the standard voltage for power supply in India? 122 kV, यानी अपने इंडिया में 122 kV पावर सप्लाई नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the hum in a transformer is mainly attributed to, क्या लिखा है ये, मैग्नेट्रो के कारण होता है, ठीक है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम प्रूफ मोटर इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर के लिए फ्लेम प्रूफ जो यूज होता है, ठीक है, फ्लेम प्रूफ मोटर कहाँ यूज होती है, जहां पर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर होता है। वॉट लियोनार्ड कंट्रोल इज बेस्ड ऑन वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये वही मेथड है जो अपने डीसी मोटर में काम आती है, ठीक है, वोल्टेज को सॉरी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज के थ्रू अपन इसको कंट्रोल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कमीशनिंग ऑफ 433 वोल्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, 1 MΩ ऑन एप्लीकेशन ऑफ 55 वोल्ट डीसी, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्किट इज यूज टू इंश्योर अर्थ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फ्लेक्सिबल केबल यूज फॉर पोर्टेबल मशीन, ठीक है, पायलट कोर प्रोटेक्शन, पायलट कोर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए, द इफेक्टिवनेस ऑफ द गेट एंड बॉक्सेस ऑफ देयर अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम शैल बी चेक्ड वंस ऑन एवरी प्रोटेक्शन 3 मंथ में इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वाइंडर ऑपरेटर ऑफ द ऑपरेशन वाइंडर अबव 75 HP, द फर्स्ट क्लास वाइंडर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इन प्लग एंड सॉकेट कपलिंग द लेंथ ऑफ द अर्थ पिन इज स्मॉलर, ठीक है, वेन कंपेयर विथ अदर पिन, बिकॉज ये किस कारण होता है, जो अपना सॉकेट होता है ना उसमें जो ऊपर वाला जो अर्थ वाला पिन होता है वो बड़ा होता है, वो किस कारण बड़ा होता है, तो देखिए इसका क्या कारण है, इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकली द फ्लेक्सीबल केबल एसोसिएटेड विद द प्लग विद द सॉकेट कपलिंग, इसका ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वट इज द वोल्टेज लिमिटेड फॉर पोर्टेबल लैम्प यूज इन यूजी मेन्स, ठीक है, इसमें अंडरग्राउंड माइन्स, ठीक है, इसका आंसर कितना है, 30 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टेकिंग परमिट टू द वर्क ऑन ओवर हेड लाइन फीडर द नेक्स्ट इमीडिएट सेफ्टी मेजर्ड इन, इसका आंसर डिस्चार्ज ऑफ द लाइन यूजिंग द अर्थ रॉड एंड परमानेंटली शॉर्ट द फेस वायर एंड अर्थ डैम, ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओम्स लॉ स्टेटेड दैट वी इज इक्वल टू आई आर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। CVCT मीन्स, ठीक है, कोर बैलेंस करेंट ट्रांसफार्मर, CVCT मीन्स कोर बैलेंस करेंट ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब इसका आंसर क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंट्रोल बाय ग्राउंडिंग एंड वाउंडिंग
पीसेस ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टैंडिंग ऑन द रबर मैटिंग एंड यूजिंग स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट लेवल अ ह्यूमन कैन विदस्टैंड विदाउट गेटिंग इंजरी? 1 MA, ठीक है, इसका आंसर ये है 1 mA। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द मिक्सचर इज फिलिंग इन द अर्थ पाइप? मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड चारकोल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब 92 क्वेश्चन क्या हो रहा है, इन्वर्टर कन्वर्टेड, इन्वर्टर क्या कन्वर्ट करता है? ठीक है, डीसी को एसी में इन्वर्टर कन्वर्ट करके देता है। अब कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब क्या लिखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनजीआर? न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर, ठीक है, इसका आंसर ये है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनजीआर इन ट्रांसफार्मर? टू लिमिट द अर्थ फॉल्ट करंट, ठीक है। अब इसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर अगर हो जाता है तो क्या इफेक्ट होता है? हाई एनर्जी लॉसेस, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ हाई पावर फैक्टर लो एनर्जी लॉसेस, अगर अच्छा पावर फैक्टर होगा तो लो एनर्जी लॉसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये अपना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इन रिस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई फॉर वोल्टेज एक्सीडिंग 1.1 kV एंड अप टू 11 kV इन ओपन कास्ट माइंस द फॉल्ट करंट शुड बी लिमिटेड टू 5 A हो जाएगा, ठीक है, फॉल्ट करंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, वो मैं भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये कहीं पर है ही नहीं इसके परफेक्ट आंसर, बस आप लोग आंसर इसके देख लीजिए। रिस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई इन माइंस हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सभी में होता है, ठीक है। 99 क्वेश्चन क्या है अपना, अकॉर्डिंग टू CEA मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई रेगुलेशन 2010, द लेंथ ऑफ द ट्रेलिंग केबल ऑफ SDL शुड नॉट एक्सीड 100 ampere meter, ठीक है। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि अच्छे से आप लोगों को नॉलेज हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है इस आइकन को प्रेस करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वाली जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करना क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।